तो गाइस, देयर इज एन एक्साइटिंग न्यूज फॉर यू। लास्ट मंथ हम घूम के आए हैं, बट ये मंथ के लिए कोई प्लान्स नहीं थे। दिस वाज एन सडन प्लान एक्चुअली। वी आर गोइंग टू साउथ इंडिया, सो हम केरला एक्सप्लोर करने वाले हैं। बट यू नो द मेन मोटिव इज टू अटेंड द त्रिशूर पूरम, विच हैपेंस इन त्रिशूर केरला, जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, जहाँ पे 50-100 एलिफेंट्स परेड करते हैं, ट्रेडिशनल म्यूजिक रहता है, लॉट ऑफ थिंग्स टू सी। तो अब हम जब हम जाएंगे, मैं दिखाई दूंगा वहाँ पे कैसे एनवायरनमेंट होता है, हाउ द पॉजिटिव एनर्जी इज, यू नो बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी होता है वहाँ पे, तो वो सब दिखा देंगे। एंड हम आज रात को निकल रहे हैं, रात को सारा पैकिंग वगैरह सब करके हम बाइक पे जा रहे हैं। मिनिश की इंटरसेप्टर है, उसको लेके हम पूरा राइड कवर करने वाले। इट विल बी ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर्स इन टोटल, जितना हमने कैलकुलेट किया है। एंड उसके बाद त्रिशूर का फेस्टिवल होने के बाद, हम लाइक मिनिश का एक दोस्त है जो हमें ज्वाइन करने वाला है, एंड ही इज़ गोइंग टू प्लान अवर नेक्स्ट ट्रिप। तो हमने कोई आइटनरी है सच बनाई ही नहीं है, बट पहले हम त्रिशूर पूरा में एक्सप्लोर करेंगे। फिर वहाँ पे दो तीन जगह है जहाँ से हमें कुछ कुछ चीज़ें बाई करनी है, तो वो सब करके देन वी विल गो टू शायद मुन्नार और वाघमन। वाघमन इज़ एक्चुअली टू मच हीटेड राइट नाउ, सो वी माइट प्लान टू गो मुन्नार। बट कीप वॉचिंग, जैसे आगे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, समझ में आ। घर से 9 बजे निकलने वाले थे, फिर भी 1 घंटा लेट है। और अब हम क्या करेंगे, पूरा लोड कर देंगे, हमारे बैग्स पैक्ड है, बैग्स को बस फिक्स करना है बुलेट पे, एंड देन वी विल बेल अवर गियर्स एंड वी आर रेडी टू गो देन। और ये मेरी पिलियनर करके, मतलब जो पीछे बैठता है बंदा गाड़ी नहीं चलाता है, वैसे वाली पहली राइड है, तो मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है गाड़ी चलाने की, बस मेरे को पीछे बैठना है, टाइम निकालना है। मिनिश पता ही देगा टाइम कैसे निकालना है। बस चेक कर रहा हूँ कैसा लग रहा है पीछे बैठ के, ऐसे बैठना है। दो बैग है हमारे, इसमें मिनिश का सामान है, इसमें मेरा सामान है, और पीछे हमारा टेंट है, एक बैग भी आएगा एंड राइडिंग गियर्स, और ऐसे हम निकलने वाले हैं। और राइडिंग शूज पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे। और पब्लिक रेडी हो गई है, ऑल गुड, और एवरीथिंग सब ले लिया, सब गियर पहन लिया। फायर वेंट आउट, लाइट्स वेंट डाउन, व्हेन यू फील लॉस्ट इन योर शैडो, डोंट फील अलोन, डोंट स्क्रीम सो। और इसको हम छोड़ के जा रहे हैं, लाइक ये जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हुआ है, फिर भी नहीं लेके जा रहा। बेगरे ऑफ लाइफ इक्विप माय सोल, फाइंड द रियल गोल्ड, आई विल फुलफिल व्हाट आई स्टार्टेड। माय क्लोथ्स एंड दिस इज माय जैकेट। गणपति बप्पा मोरिया, ये बोल के हमने राइड चालू कर दी है। एंड हमारा फर्स्ट टारगेट होगा कि सुबह हमको कुछ भी करके बिफोर 6 o'clock एक टेंपल में पहुंचना है, पद्मनाभन टेंपल। वहाँ पे रोज़ सुबह 6:30 बजे आरती होती है, और उसका जो वो जो टेंपल है एक लेक के बीच में सिचुएटेड है, और लाइक उस टेंपल के लेक में एक मैजेस्टिक क्रोकोडाइल है, विच इज़ अ वेजिटेरियन क्रोकोडाइल, उसका एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो जैसे हम टेंपल में पहुंच जाएंगे, हम आपको स्टोरी भी बता देंगे। सो टिल देन वी आर राइडिंग, टेकिंग फ्यू स्टॉप्स, बिकॉज जाते जाते थोड़े ब्रेक्स भी लेने ज़रूरी है। और जैसे हम मुरुडेश्वर पहुंच गए थे, हमें पता चल गया है कि वो जो स्टैचू होता है मुरुडेश्वर में शिवजी भगवान का जो स्टैचू है, उस पर लाइट्स नहीं थे। तो हमने बस वहाँ से टचअप करके, लाइक टच डाउन करके निकल गए। राइट अराउंड 6 o'clock स्काई में चेंजेस आने चालू हो गए, कलर्स दिखने चालू हो गए, और सनराइज इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था, वो देखते देखते हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पे, जो है पद्मनाभन टेंपल, जो जहाँ पे हमें आरती में शामिल होना था, वो एक्सपीरियंस करना था, और हम एग्जैक्टली टाइम पे ये टेंपल में पहुंच गए। हाई, सो इट्स मॉर्निंग 6:30 AM and we have reached to this beautiful temple. तो यही वो फेमस टेम्पल है जहाँ पे बॉम्बी थी, मैजेस्टिक क्रोकोडाइल प्रेजेंट थी, वो 80 years तक शी वॉज अलाइव एंड देन शी वेंट टू द गॉड। और यहाँ पे आफ्टर लाइक 1 साल में
दूसरी क्रोकोडाइल का एक छोटा सा बच्चा आ गया है एंड इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड नाउ। और उसके भी दर्शन हमारे हो गए थे, थोड़ा सा वेट करना पड़ा, बट जैसे ही आरती चालू होने का टाइम शुरू हो रहा था ये क्रोकोडाइल आके मंदिर के पीछे बैठ गया था। एंड दिस इज़ हाउ द क्रोकोडाइल लुक्स राइट नाउ, आप देख सकते हो उसको। थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद, आरती होने के बाद हम यहाँ से निकल गए, बट जैसे धूप ऊपर आना चालू हो गया था हमें बहुत तकलीफ़ होने लगी थी। और फिर ये डे हम यही गांव में स्टे किए एक होम स्टे देख के। यार यार दिस टेंपल वाज माइंड ब्लोइंग। यार मेरे बोलने पे बिल्कुल मत जाओ, मैं बहुत थका हुआ था, मैं और राइड नहीं कर पाता। हम नाश्ता करके फिर हमने एक स्टे ढूंढ लिया और फिर आज का दिन वहीं पर स्टे कर लिया। और ऐसा प्लान किया है कि दूसरे दिन हम निकलेंगे नेक्स्ट ट्रैवल के लिए। सो राइट नाउ वी आर स्टेइंग इन कासरगोड। कल सुबह उठ के हम अपने दोस्त को मिलने जाएंगे जो है तिरूर में, उसको मिलके देन विल गो टू त्रिशूर।